दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M40 स्मार्टफोन की। दोस्तों ये मोबाइल फोन हमें जल्द ही इंडिया की मार्केट में देखने को मिल जाएगा, जिस पर हमें स्नैपड्रैगन 675 का पावरफुल चिपसेट, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले और 5000 mAh की एक बैटरी मिलेगी। और ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि ये मोबाइल फोन किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा और कब तक ये मोबाइल फोन हमें इंडिया की मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जानने के लिए बिना स्किप की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन से। तो दोस्तों गैलेक्सी M40 के डिजाइन हमें ग्लास बैक, ग्रेडियंट कलर और ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिस पर हमें एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मोबाइल फोन के रियर साइड पर देखने को मिल जाता है। अगर फ्रंट की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 6.3 इंच FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, जिस पर हमें एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। मतलब ऊपर कॉर्नर पर हमें एक पंच होल देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हमें एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें सुपर एमोलेड पैनल देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इस पर हमें एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मोबाइल फोन पर स्नैपड्रैगन 675 का एक पावरफुल चिपसेट मिलेगा। और दोस्तों ये मोबाइल फोन हमें सिर्फ एक ही वेरिएंट में देखने को मिल सकता है, जिस पर हमें 6GB रैम प्लस 128GB का स्टोरेज मिलेगा और माइक्रो SD कार्ड का एक डेडिकेटेड स्लॉट हमें देखने को मिल जाएगा, जैसे हमें सैमसंग के प्रीवियस मोबाइल फोन पर देखने को मिलता है। अगर कैमराज की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, जिस पर रियर साइड में मेन कैमरा होगा 32 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का जो एक वाइड एंगल सेंसर होगा, और दोस्तों थर्ड सेंसर हमें 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है जो एक डेप्थ सेंसर होगा। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जो एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले का अंदर दिया गया होगा, मतलब पंच होल के अंदर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक बेहतरीन कैमरे देखने को मिल जाते हैं। बैटरी की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो 15 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, और मोबाइल फोन पर हमें USB-C टाइप पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और मोबाइल फोन पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई और सैमसंग की वन UI हमें देखने को मिल जाएगी, और मोबाइल फोन पर एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें मोबाइल फोन के रियर साइड पर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें सभी तरह के बेसिक सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। मोबाइल फोन पर 3.5mm का ऑडियो आउट जैक, ब्लूटूथ, वाईफाई, सभी तरह की चीजें हमें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशंस। अगर प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों ये मोबाइल फोन हमें अंडर 20K में देखने को मिल सकता है, मतलब कि मोबाइल फोन के बेस वेरिएंट का प्राइस हमें 18,000 या 17,000 रुपए के बीच में देखने को मिल सकते हैं। अगर लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों अगर लीक्स और रूमर्स की माने तो दोस्तों ये मोबाइल फोन हमें जून के दूसरे हफ्ते में देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस मोबाइल फोन के पूरे पूरे चांस है कि ये मोबाइल फोन हमें 10 और 15 जून के बीच में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ये तो थी आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट की बातें। आशा करता हूँ दोस्तों आपके वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।